दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेट बैंकिंग को यूज करते थे और आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को भूल गए हैं तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया और उसको आपको यहाँ पे टाइप करना है bobibanking.com और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। और यह बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सिक्योर लॉक लगा हुआ है और आपको यहाँ पे रिटेलर यूजर के नीचे आपको दिखाई देगा क्लिक हर टू लॉग इन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे अपना यूजर आईडी फिल करना है, लेकिन आपके पास यूजर आईडी नहीं है तो आपको यहाँ पे फॉरगेट यूजर आईडी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर को फिल कर देना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी पहले से टिक है। अगर आपको ईमेल आईडी पे ओटीपी मंगाना है तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी को टिक करेंगे। तो हमको मोबाइल नंबर पे ओटीपी मंगाना है तो मैं मोबाइल नंबर वाले पे टिक रहने देता हूँ। और यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर को इंटर कर देना है और उससे पहले आपको 91 कंट्री का कोड पहले लगाना है, 91 यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर को फिल करके यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे दोनों पे ओटीपी गया होगा। तो आपको यहाँ पे जो भी आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया, ओटीपी को आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। ओटीपी डालने के बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजर आईडी हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपका यूजर आईडी को सेंड कर दिया गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे बैक टू लॉगिन पे क्लिक करूँगा और जो भी हमारे मोबाइल नंबर पे यूजर आईडी आ गया है तो मैं यहाँ पे अपना यूजर आईडी को इंटर कर देता हूँ। यूजर आईडी डालने के बाद में आपको सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे साइनिंग और पासवर्ड डालने की ज़रूरत है, लेकिन आपको पासवर्ड भी मालूम नहीं है तो आपको पासवर्ड मालूम करने के लिए आपको यहाँ पे सेट पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड, इसके ऊपर नीचे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं रीजनरेट साइन ऑन ट्रांजेक्शन और बोथ पासवर्ड यूजिंग ईमेल एंड मोबाइल ओटीपी। तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को ओटीपी मंगाना है तो आप इस पर टिक करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड पे भी ओटीपी को मंगवा सकते हैं। तो चलिए, मैं पहले वाले पे टिक कर देता हूँ, इस पर टिक रहने देता हूँ और आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे यूजर आईडी दिखाई देगा। आपको यहाँ पे अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर को इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करने से पहले आपको 91 यहाँ पे लगा लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर को इंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ओटीपी हैज़ बीन सेंड रजिस्टर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, और आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे दोनों पे ओटीपी गया होगा। तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर का ओटीपी को फिल कर देना है और आपको यहाँ पे ईमेल आईडी वाला ओटीपी आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिसेट साइन ऑन पासवर्ड, आपको पहले वाले पे क्लिक कर देना है साइनिंग करने के लिए। तो इसके ऊपर टिक कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड बना लेना है साइनिंग करने के लिए फर्स्ट बार। और पासवर्ड कैसे बनाना है मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेता हूँ और यहाँ पे री टाइप न्यू साइनिंग पासवर्ड, जो ये पासवर्ड है आपको यहाँ पर फिर से दोबारा यहाँ पर टाइप कर देना है। पासवर्ड डालने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द पासवर्ड इज चेंज सक्सेसफुल्ली। तो आपका यहाँ पे पासवर्ड चेंज हो गया है, एक न्यू पासवर्ड बन गया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने यूजर आई डी और पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहले